चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट और स्पेशल डे न्यूज ऑफ द डे एन बी वाई क्यूज आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें थोड़ा तो आपको ये वीडियो सिक्स पी पर डेली मिल सके आज आपके लिए एक स्पेशल मैराथन है जो कि थ्री पी पर होने वाला वाई फाई स्टडी पर उसका लिंक भी आपको इसी में अवेलेबल होगा आज के दिन की शुरुआत हाल फिलहाल में किसके द्वारा कन्फर्म किए गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड बीस के तो इस क्वेश्चन का आंसर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देखिए ये जो अवार्ड जो कंफर्म किए गए हैं ठीक है इसका अनाउंसमेंट जो है अभी सिविल जो सर्विसेज डे है इस दिन हुआ था दिल्ली में और उसके अलावा जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस अवार्ड होते थे वो इंडिविजुअल प्रोफाइल भी होते थे लेकिन इस बार जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम परफॉर्मेंस जैस जिसका भी है डिस्ट्रिक्ट में उसके हिसाब से एक सिविल सर्वेंट को अवार्ड्स जो है दिए जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पुराने रूल्स भी जो हैं सिविल सर्विसेज़ के चेंज कर दिए गए हैं सो डैट की जो है एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा अच्छा हो सके और विजन डॉक्यूमेंट फॉर इंडिया 2047 जो है इस पर फोकस है ऐसा मतलब जो एड्रेस दिया गया ठीक है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसमें इन्होंने कहा है चलिए लेट द नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने हाल फिलहाल में कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर अहमदाबाद में आने वाले आ चुके हैं दो दिन के लिए तो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं देखिए अभी इससे पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर ये फर्स्ट मेजर ट्रिप है इंडिया में इनका एज अ प्राइम मिनिस्टर तो ये इंपॉर्टेंट है इससे पहले इन्होंने बहुत बार पोस्टपोन किया है कोविड uh, की वजह से भी पोस्टपोन किया गया है। और अभी इन्होंने अभी एड्रेस किया था अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में और उन्होंने स्ट्रेट अवे जो है स्टेटमेंट दिए कि, कि किस चीज़ों पे फोकस किया जाएगा पहला तो है कि स्ट्रैटेजिक ट्रेड डिफेंस पीपल टू पीपल टाइज जो है इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा उसके अलावा जी के इन्वाइट के लिए भी जो है यह है आ रहे हैं है ना क्वेश्चन आपको मिल सकता है दो दिन का विजिट है पूरा विजिट जो है अहमदाबाद में होने वाला है ठीक है डिस्कशन जो यूके का वैसे भी यूके परस्यू करने की कोशिश कर रहा है इंडिया को कि मॉस्को पे हम इतना रिलायंस ना करें रशिया पे लेकिन पी ओल नो की सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है हर एक देश का चलिए देखिए ई जो है इसने हाल फिलहाल में कितने नेट सब्सक्राइबर ऐड करे हैं तो ये फोर्टीन पॉइंट वन टू लैख हैं ये आंकड़ा अभी भी आया है कि एम्प्लॉज प्रोविडेंट फंड ऑफ़ जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा आंकड़ा दिया गया कि 14.12 पॉइंट वन टू लैख जो है न्यू सब्सक्राइबर इसमें जो है फ़रवरी मंथ में ऐड हुए हैं तो ये एडिशन है अगर इन कंपैरिजन टू अक्टूबर से लेके फरवरी तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ये इम्प्रूवमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये आता है मंथ ऑन मंथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है सब्सक्राइबर का बेसिकली 18 से 25 वर्ष के जो सब्सक्राइबर हैं वो फोर्टी है इन टोटल का और जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट टाइम जॉब सीकर जो हैं वो बने हैं हालांकि कुछ सब्सक्राइबर ने जो है इसे एग्जिट भी किया है लेकिन उसे रीजॉइन किया है उसका भी आंकड़ा 5.71 लाख का है चलिए देखिए एक और क्वेश्चन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेट किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कितने करोड़ का ठीक है आदि आदि जाति महासम्मेलन जो दहोद गुजरात में हुआ तो ये बाईस हज़ार करोड़ का है तो बाईस हजार करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है इसे इनोग्रेट किया गया है दहोद गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखे गए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट नौ हज़ार इलेक्ट्रिक लोकोमेटिव का है जो कि रेलवे प्रोडक्शन होगा यूनिट कहाँ पे बनेगी सेम दहोद में उसके अलावा 1400 करोड़ के आसपास का अमाउंट जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दिया गया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट सदर्न एरिया रेलवे वाटर सप्लाई डेवलपमेंट होगा है ना और 280 विलेज हैं दोहोर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे जो है वाटर सप्लाई की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा स्मार्ट सिटी के ऊपर भी जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ठीक है बीस करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है इसमें भी लगाया जा रहा है चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल हाल फिलहाल में कितने पार्टिसिपेंट हैं जो कि आयुष्मान भारत हेल्थ मेला जो लगा हुआ है उसके दूसरे दिन जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो 3.57 लाख जो पार्टिसिपेंट रहे हैं आयुष्मान भारत हेल्थ मेला जो लगा हुआ है ये देखिए ये मेला किस वजह से लगा हुआ है पहला तो ये जानते हैं हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है सेंट्रल स्टेट हर जगह फोर्थ एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से भी रेप्लीकेट करता है सोलह अप्रैल से लेकर बाईस अप्रैल के बीच में तो ये इसका फाइनल डे है तो इसमें जो है जो जो सेकेंड डे उसमें और भी बहुत सारे जितने भी दिन हैं ठीक है उनके पार्टिसिपेंट का काउंट है लेकिन हमें स्पेसिफाई ये करना है कि साठ हज़ार आबा हेल्थ आई जो है इसमें पार्टिसिपेट किए इक्कीस हज़ार प्रधानमंत्री जन जो है गोल्डन कार्ड जो है ये भी पार्टिसिपेट किए ठीक है और स्क्रीनिंग की गई है हाइपर और डायबिटीज़ जैसे इशूज़ की है ना तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक ब्लॉक में ये जो मेला सेटअप किया गया है। चलिए देखिए रिसेंटली कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया है सरमार्ट इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल तो ये रशिया की एक अचीवमेंट है तो रशिया ने अनाउंस किया है कि इन्होंने सक्सेसफुली फायर किया सरमाट इंटर कॉन्टीनेंटल मिसाइल जो तो कि एक तरीके से मॉस्को को रशिया को एक एडवांटेज देने वाला है, है ना ये सरमार्ट स्ट्रेंथ करेगा इनके कॉम्बैक पोटेंशियल को जैसे कि आप सभी जानते हैं इस समय इनका क्लैश वेस्ट के साथ साथ भी है यूक्रेन के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये अभी इसको जो टेस्ट किया गया था कुरू टेस्ट ग्राउंड है कहाँ पे कमचटका पेनिस्ला में वहां पे इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है ठीक है और इसका अनाउंसमेंट रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुटिन ने खुद किया है कि इट इज़ वन ऑफ द था हाईएस्ट टेक्टिकल टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन रशिया और कौन से देश रशिया और कौन से देश के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि एक सेफ़ रूट दिया जाएगा सिविलियंस को ठीक है मैरीपोल में तो ये यूक्रेन ऑब्वियसली देखिए इससे पहले भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं कि जो सिविलियंस हैं जो कि जाना चाहते हैं सिविलियंस में एग्जांपल के तौर पे वुमेंस बेसिकली चिल्ड्रंस एंड एंडर इनके लिए जो है सेफ़ कॉरिडोर जो है अवेलेबल कराए जा रहे हैं तो यूक्रेन और रशिया के बीच में अब दोबारा एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके थ्रू जो है ये जो है जितने भी सिविलियंस हैं वो जा सकते हैं रशिया यूक्रेन को छोड़ के है ना तो ये सेफ रूट दिया जाएगा तीस हज़ार तीन लाख के अराउंड जो लोग हैं इन्होंने मैनेज किया कि वो एस्केप कर पाए ठीक है ऐसे वॉर जोन एरिया से चलिए देखिए डी ने इम्पोज़ किया है कितने अमाउंट का फाइन अब इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग मास्क अगेन इन दिल्ली तो पहले ये बंद कर दिया गया था अब दोबारा लगाया गया है पाँच सौ रुपए का फ़ाइन है अब इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं कि कितने का फाइन है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो अनाउसमेंट है किसके द्वारा की है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि मास्क जो है मैंडेटरी हो गया कैपिटल सिटी में एव इवन और स्टेट्स जो हैं वहाँ पे भी जो है मास्क मैंडेटरी हो गए लेकिन स्कूल्स को बंद नहीं किया जाएगा स्कूल्स के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दोबारा लाया जाएगा जिसके तहत चीज़ों को किया जाने वाला है है ना तो अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट में 26 परसेंट जो है जंप हुआ है कोविड के केसेस में और इसका जो है टेस्ट भी किया जा रहा है नेशनल कैपिटल रीजन में कि कोई अगर कोई नया वेरियंट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो इसको भी देखा जाए चलिए देखिए आसाम और कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है कि ये बारह डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी सेटअप कर रहे हैं तो के बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म हो तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम ध्यान रखिए इससे पहले आसाम ने ये सेम चीज़ मेघालय के साथ भी की है मेघालय गवर्नमेंट के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया है कि जो 50 साल पुराना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया गया और अब असम और अरुणाचल प्रदेश ने 12 डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी सेटअप करी है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को जल्दी जल्दी खत्म किया जाए जिसमें जो आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्वा हैं उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पेमू कांडू हैं ठीक है तो ये जो हैं दोनों के दोनों इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं सो डैट की एक रेजोल्यूशन निकल के आए चले देखिए रिसेंटली रशिया और बेलरस के प्लेयर्स को रोका गया है कि वो कौन से टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते ये एक इंडिविजुअल लॉस है खिलाड़ियों का वेमिल्डन में नहीं खेल सकते हैं ठीक है तो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो नहीं खेल सकते हैं वह मैंस वर्ल्ड नंबर टू डैनियल हैं जो कि इस खेल में नहीं आ सकते वेमिल्डन में ठीक है इनको रोका गया है और इवन वुमेन्स वर्ल्ड नंबर वन जो फॉर्मर रह चुकी हैं विक्टोरिया इनको भी रोका गया क्योंकि दोनों रशिया से हैं ना तो यूके ने ये अनाउंसमेंट करी है कि वेमिल्डन का जो ऑल इंडिया क्लब है इनके द्वारा ऑल इंग्लैंड क्लब है सॉरी उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि रशिया और बेलरस के खिलाड़ी जो है इसमें नहीं आ सकते उसके अलावा ए और वर्ल्ड जो डब्ल्यू टी टूर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि नेशनल फ्लैग इन दोनों देशों के नहीं लगेंगे इवन नेशनल एंथम भी नहीं लगेंगे तो ये सब अनाउंसमेंट है ये इंडिविजुअल लॉस कह सकते हैं ठीक है थेके? तो देखिए रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने फॉर्मली रिवॉक किया है रशिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन कि मतलब अब ये रशिया इस देश का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस में नहीं आता तो जापान ने जापान ने इससे पहले कल हेल्प यूक्रेन को करी थी आज जापान ने जो है फॉर्मली मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो स्टेटस है रशिया को दिया गया था उसको भी हटा दिया है ठीक है ये एक तरीके से जापान इसलिए भी कर रहा है कि जापान का एक इंडिविजुअल रोल है इसमें कि रशिया को कैसे रोका जाए कि वो फर्दर अटैक ना करे क्योंकि अगर ऐसा करता है तो चाइना भी एक दिन जो है एशिया के कुछ कंट्रीज पे अटैक करेगा इसी तरीके से और कोई उन्हें जो है रोकने वाला नहीं होगा तो इस पैटर्न में जो है ये किया जा रहा है लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि पॉइंट देखते हैं आज के रिसेंटली कौन सा बैंक है जिसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए हैं तो एस है इंडिया का शुगर एक्सपोर्ट कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है तो टू रिसेंटली कंट्री कौन से फ़ोरन मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये कहा कि इंडिया के फॉरन मिनिस्टर ठीक है एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एक ट्रू जो है पेट्रोइ है तो रशिया ने कहा है चलिए देखिए कल एक सवाल पूछा गया था धमेक्स तूपा का विवेक का आंसर बिल्कुल सही वाराणसी में है ये आज का सवाल देखिए वॉमडिला जो पास है ये कौन सी स्टेट में आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा ध्यान रखिएगा कि आज आपको टेलीग्राम चैनल पर 3 पीएम पर दोपहर तो थ्री पी एम पर एक बहुत अच्छा मैराथन मिलने वाला है हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी का इसे यूटिलाइज़ करिए ये लाइव अमन कोड यूज़ करके आप इस कॉम्बैक को जरूर नोटिफाई कर लेना क्योंकि ये नियर बाय है डेट इसको आप नोटिफाई करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स पे दे रखा है लाइव अमन कोड यूज़ कर रहा है रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए एक अच्छा सा कोर्स आप ले सकते हैं लाइव अमन कोड यूज़ करके जब आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको बेसिकली डिस्काउंट मिलेंगे आपको वो डिस्काउंट लाइव अमन कोड यूज़ करके जो है लेने हैं किसी भी एग्जाम में आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं सेशन को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग